इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ऐसी बास्केटबॉल स्किल्स जो हर शॉर्ट हाइटेड बास्केटबॉल प्लेयर को आनी चाहिए, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। हेलो दोस्तों, मैं हूं रोहन और मैं आ गया हूं एक नए बास्केटबॉल ट्यूटोरियल वीडियो के साथ। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप आगे भी ऐसे ही बास्केटबॉल रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आपके लिए रेगुलर कंटेंट बना सकूं। आपने सुना होगा कि बास्केटबॉल लंबे प्लेयर्स का स्पोर्ट है और ये बात कुछ हद तक सही भी है क्योंकि लंबे प्लेयर्स को बास्केटबॉल खेलते टाइम डेफिनेटली कुछ नेचुरल एडवांटेजेस मिलते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि छोटी हाइट के प्लेयर्स अच्छा बास्केटबॉल खेल ही नहीं सकते। शॉर्ट प्लेयर्स को कुछ ऐसी स्किल्स डेवलप करनी पड़ती हैं जिससे उनका डिसएडवांटेज उनकी स्ट्रेंथ में बदल जाए और वो एक अच्छे बास्केटबॉल प्लेयर बन सकते हैं। और इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी स्किल्स बताऊंगा जिन्हें इम्प्रूव करके आप अपनी शॉर्ट हाइट के बावजूद भी एक अच्छे बास्केटबॉल प्लेयर बन सकते हो। शॉर्ट प्लेयर्स के लिए सबसे पहली स्किल है प्ले मेकिंग। अगर आप अपनी टीम के सबसे छोटे प्लेयर हो तो बहुत ज़्यादा चांस है कि आपको पॉइंट गार्ड पोजिशन पर खेलना होगा, और पॉइंट गार्ड यूजुअली टीम के प्ले मेकर्स होते हैं जो मैच में ऑफेंस क्रिएट और डायरेक्ट करते हैं। तो एक अच्छा प्लेमेकर बनने के लिए आपको मैच में सही टाइम पे सही बास्केटबॉल प्लेज एग्जीक्यूट करना आना चाहिए, जिसके लिए आपका बास्केटबॉल आईक्यू बहुत हाई होना चाहिए। आपको अपने हर एक टीममेट की पोजीशन और उनकी स्किल्स पता होनी चाहिए ताकि आप उनको सही टाइम पे पास दे पाओ। आपका काम होगा अपने टीममेट्स के लिए इजी बास्केट क्रिएट करना और अपनी नॉलेज से गेम की पेस डायरेक्ट करना। NBA में क्रिस पॉल और स्टीव नैश जैसे प्लेयर्स अपनी छोटी हाइट के बावजूद भी लीग के बेस्ट प्लेमेकर्स हैं और आप उनके गेम को स्टडी करके खुद प्लेमेकिंग सीख सकते हो। शॉर्ट प्लेयर्स के लिए दूसरी इंपॉर्टेंट स्किल है बॉडी कॉन्टैक्ट। अगर आपकी हाइट छोटी है तो जब भी आप लेअप लेने के लिए पेंट में घुसोगे तो आपको कभी भी एक ईजी शॉट नहीं मिलेगा क्योंकि आपसे लंबा डिफेंडर आपको गार्ड कर रहा होगा। तो आपको अपनी बॉडी का यूज़ करके डिफेंडर से कॉन्टैक्ट जनरेट करके स्पेस बनाना आना चाहिए। आप ड्राइव करते टाइम अपनी बॉडी से बॉल को शील्ड कर सकते हो या अपनी बॉडी से डिफेंडर को पुश करके बिना ब्लॉक खाए शॉट मार सकते हो। उसके लिए आपकी बॉडी स्ट्रांग होनी चाहिए ताकि आप कॉन्टैक्ट हैंडल करके भी शॉट मार पाओ, और आपके बाकी प्लेयर से छोटे होने की वजह से रेफरी भी आपको ज़्यादा फाउल और एडवांटेज देगा, तो आप इसी बात का फ़ायदा उठा के ड्राइव करते टाइम बॉडी कॉन्टैक्ट से फ्री थ्रोज भी निकाल सकते हो। ये शॉर्ट प्लेयर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है क्योंकि आप बॉडी कॉन्टैक्ट का यूज़ करके ही पेंट एरिया में बास्केट स्कोर कर सकते हो। शॉर्ट प्लेयर्स के लिए तीसरी इंपॉर्टेंट स्किल है शूटिंग। ये तो मुझे कहने की ज़रूरत भी नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर आपकी हाइट छोटी है तो एक अच्छा बास्केटबॉल प्लेयर बनने के लिए आपकी शूटिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। आप हर बार बॉल लेके लेअप के लिए नहीं घुस सकते क्योंकि लंबे प्लेयर्स पे रेगुलरली स्कोर करना आपके लिए बहुत टायरिंग होगा, तो इसीलिए आपको बाहर से भी शॉट स्कोर करना आना चाहिए। अगर आप एक अच्छे शूटर होगे तो आप थ्री पॉइंट लाइन से एक ऑफेंसिव थ्रेट बन जाओगे और आप मैचेस में ज़्यादा पॉइंट स्कोर कर सकते हो। आप चाहो तो जे रेडिक की तरह एक कैच एंड शूट प्लेयर बन सकते हो या फिर स्टेफ करी की तरह एक वन ऑन वन शॉट क्रिएटर बन सकते हो। दोनों ही केसेस में आपकी शूटिंग स्किल्स आपको एक हाई लेवल ऑफेंसिव प्लेयर बना सकती हैं। शॉर्ट प्लेयर्स के लिए फोर्थ इंपॉर्टेंट स्किल है उनकी स्पीड, क्विकनेस और एजिलिटी। छोटे प्लेयर होने का एक बहुत बड़ा एडवांटेज ये है कि आप लंबे प्लेयर से ज़्यादा तेज़ रिएक्ट कर सकते हो और उनसे जल्दी डायरेक्शन और स्पीड चेंज कर सकते हो। आप अपनी स्पीड और क्विकनेस का यूज़ करके दूसरे प्लेयर्स को ऑफेंस और डिफेंस पे बीट कर सकते हो। आपकी एजिलिटी भी अच्छी होनी चाहिए ताकि आप बॉल ड्रिबल करते टाइम क्विक डायरेक्शन चेंजेस कर पाओ और जल्दी एक्सेलरेट और डिसेलरेट करके मैच में अपनी पेस चेंज कर पाओ। आप अपनी बॉल हैंडलिंग स्किल्स और क्विकनेस का यूज़ करके डिफेंडर से स्पेस क्रिएट कर सकते हो और बास्केट स्कोर कर सकते हो। एक शॉर्ट प्लेयर के लिए फिफ्थ इंपॉर्टेंट स्किल है उसका डिफेंसिव हसल और एफर्ट। बास्केटबॉल में ऐसी चीज़ जिसे करने के लिए हाइट इंपॉर्टेंट नहीं है, वो है आपका डिफेंसिव हसल और एफर्ट। एज अ शॉर्ट प्लेयर आप हर प्ले में अपना एफर्ट दिखा के टीम में अपनी जगह बना सकते हो। आपको हमेशा डिफेंस में अपना 100% एफर्ट देना है और हर लूज बॉल को पकड़ने की कोशिश करनी है। आपको मैच में कभी भी लेजी नहीं होना है और अपनी क्विकनेस का यूज़ करके बॉल को स्टील या ब्लॉक करने की कोशिश करनी है। कोच भी आपका डिफेंसिव हसल देख के आपको मैच में ज़्यादा टाइम खेलने का मौका देगा। और शॉर्ट प्लेयर्स के लिए सिक्स्थ और फाइनल इंपॉर्टेंट स्किल है उनकी मेंटालिटी। आपने NBA में देखा होगा कि शॉर्ट प्लेयर्स बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं और कभी बैक डाउन नहीं करते, और आपको भी खेलते टाइम यही सेम मेंटालिटी रखनी है। आपको अपनी स्किल्स पे पूरा कॉन्फिडेंस होना चाहिए और हर चैलेंज को फेस करने का माइंडसेट होना चाहिए। और जब भी आप मैच में कोई अच्छा मूव करोगे तो क्राउड भी आपको सपोर्ट करेगा क्योंकि आप एक अंडरडॉग हो एंड एवरीवन लव्स अ गुड अंडरडॉग स्टोरी। तो ये थी 6 इंपॉर्टेंट स्किल्स जिन्हें इंप्रूव करके आप शॉर्ट हाइटेड प्लेयर होने के बावजूद भी एक अच्छे बास्केटबॉल प्लेयर बन सकते हो। और इन जनरल भी ये स्किल्स किसी भी प्लेयर को एक अच्छा बास्केटबॉल प्लेयर बना सकती हैं, और अगर आप इनमें से 3 स्किल्स को भी मास्टर कर लोगे तो आप किसी भी टीम में अपनी जगह बना सकते हो। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और इससे कुछ सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आगे भी आपके लिए ऐसा रेगुलर कंटेंट बना सकूं। और आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप हैविंग फन, पीस आउट।